दोस्तों अभी आप लोगों ने YouTube चैनल पे एक चीज को नोटिस जरूर किया होगा, जहां आप लोगों के चैनल पे 500, 600, 700 व्यूज आ रहे थे, वहीं पे अभी के टाइम पे आपके चैनल पे 50, 100, 150 इस तरीके से व्यूज आ रहे हैं। और काफी लोग तो ऐसे हैं जिनके चैनल पे सिर्फ 5, 10 या 15 व्यूज आ रहे हैं, इससे ज्यादा उनके चैनल पे व्यूज आ ही नहीं रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्रूफ देखिए, दोस्तों आप लोगों का चैनल तो छोटा है पर मेरा चैनल तो बड़ा है। आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने 2 से 4 दिन पहले एक चीज नोटिस की होगी कि आप लोगों के जो सभी के चैनल है वो YouTube ने बिल्कुल फ्रीज कर दिए, खास करके जो छोटे चैनल है उनको तो पूरी तरीके से डेड कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर मेरी वीडियो के ऊपर कितना व्यूज आया है, 5500, ठीक है। फिर भी दोस्तों इसका जो एवरेज वीडियो रेशन वाला जो है वो बिल्कुल डार्क ग्रे है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की साइड चलते हैं, यहाँ पर देखो इस वीडियो पे 4800 व्यूज आए, फिर भी आप देख सकते हैं इसके एरो डार्क ग्रीन नहीं हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड देखिए, यहाँ पर देखो 4400 व्यूज आए इस वीडियो के ऊपर, तब भी देखो यहाँ पर सारे एरो डार्क ग्रे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने अभी के टाइम पे छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो सभी के चैनल को फ्रीज कर दिया है। अब इसको अनफ्रीज कैसे करना है? अगर आप लोगों ने टाइम रहते इसको अनफ्रीज नहीं किया तो आप लोगों का चैनल भाई जल्दी ही डेड हो जाएगा, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको अनफ्रीज करने का मैं ऐसे आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ जिनका यूज करके आप लोग 100% अपने चैनल को अनफ्रीज कर सकते हैं, और वही तरीका लगाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रही हूँ। देखो आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये वाले वीडियो देखिए, इस पर 4000 व्यूज है, इस पर 4000 व्यूज है, इस पर 5000 व्यूज कैसे आ गया? क्योंकि दोस्तों मैंने सही तरीके से काम किया, यहाँ पर मैंने उन ट्रिक का यूज किया जिसका यूज आप लोगों को भी अपने चैनल पे करना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो इम्प्रेशन है वो फिर से जान लगे। अब आपका चैनल डेड क्यों होता है? दोस्तों आप लोगों के चैनल को जो डेड होने का जो मेन रीजन होता है वह ये होता है कि आप लोगों के चैनल पर वीडियो का इंप्रेशन नहीं जाता। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्रूफ देखिए, देखिए यहाँ पर इस वीडियो पे 4300 व्यूज आए हुए हैं, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को ओपन कर लेती हूँ, जैसे मैंने इस वीडियो को ओपन किया यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एरो इसके डार्क ग्रे हैं। अब यहाँ पे हम इसके वीडियो परफॉर्मेंस के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया अब यहाँ पर नया इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप व्यूज देख सकते हैं, वॉच टाइम देख सकते हैं, सब्सक्राइबर देखो कितने मिले हैं, 89 सब्सक्राइबर्स तो मिल रहे हैं, पर दोस्तों इसके बाद ये वीडियो पे व्यूज आकर रुक जा रहे हैं, उसके बाद व्यूज इंक्रीज नहीं हो रहे। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, रीच वाला ऑप्शन आ रहा है, सिंपली रीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहे थे, जैसे रीच वाले ऑप्शन पर क्लिक किया यहाँ से इसका इंप्रेशन कितना गया है, 81,000 इंप्रेशन गया है। यहाँ पर देखो पहले देखो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे 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 इंप्रेशन जा रहा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे उठा है, भाई चीटी की चाल यहाँ पे इंप्रेशन चल रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं पहले वाला इंप्रेशन दिखाऊं अपना तो आप लोग यहाँ पर खुद चेक कीजिएगा, यहाँ पर देखो इसी वीडियो को मैंने 4 दिन पहले अपलोड किया था, ये प्रॉब्लम मेरे चैनल पे 3 दिन पहले से आई है, 4 दिन पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया, इस पर 21,000 व्यूज आया है। अब यहाँ पर आप इसके एरो देखो सारे के सारे डार्क ग्रीन है, यहाँ पर देखो ये भी डार्क ग्रीन है, ये भी डार्क ग्रीन है, और यहाँ पर देखो ये भी ग्रीन है। अब इसका देखो मैं वीडियो परफॉर्मेंस पे चलती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही वीडियो परफॉर्मेंस पे हमने क्लिक किया यहाँ पर व्यूज देख सकते हैं, वॉच टाइम देख सकते हैं, और सब्सक्राइबर्स देखो यहाँ पर 411 सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक वीडियो से मिले हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ पर मैं रीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेती हूँ, जैसे ही मैंने रीच वाले ऑप्शन पर क्लिक किया अब आप देखो यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा इंप्रेशन इस वीडियो का गया है, उसका इंप्रेशन कितना था, सिर्फ 89K, और यहाँ पर इसका इंप्रेशन देखो 3 लाख। देखो यहाँ से इसका इंप्रेशन लगातार बढ़ता हुआ चला गया, नीचे की साइड एक बार भी नहीं आया है। तो आप लोग देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना, अगर अपने चैनल को अनफ्रीज करना है तो सबसे पहले अपने चैनल पे इंप्रेशन को लाना पड़ेगा। अब आपके चैनल पे इंप्रेशन ये आएगा कैसे, अगर आपके चैनल पर भी 10, 20 या 50 या ज्यादा से ज्यादा 100 व्यूज आ रहे हैं तो आप लोगों को इस कंडीशन में क्या करना है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब दोस्तों जो तरीके मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ वो तरीके अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिए तो 100% आप लोगों के चैनल पे जो वीडियोस हैं उनका इंप्रेशन जाना शुरू हो जाएगा, आपका चैनल चुटकियों में अनफ्रीज हो जाएगा। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देख लेना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भाई कल के वीडियो के विनर है, इनके चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया है। अगर आप लोग भी अपने चैनल का फ्री में प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आप लोगों को छोटा सा काम कर देना, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही वीडियो को पूरा देखने का एक प्यारा सा कमेंट कर देना, कमेंट नहीं करेंगे तो आप लोग विनर नहीं बन पाएंगे। और अगर आप लोग फ्री में बिल्कुल 1000 सब्सक्राइबर्स लेना चाहते तो मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर लो। अब गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहले के टाइम मेरे चैनल पे कितने व्यूज आ रहे थे, आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पर 21,000, 10,000, 10,000, ठीक है, यहाँ पर देखो 7,200। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे चैनल पे 10,000 से ऊपर ऊपर व्यूज आ रहे थे, अब ये व्यूज देखो अचानक से डाउन कैसे हो गए, आखिर क्यों यहाँ पर देखो इस तरीके से व्यूज आ रहे हैं, 4,700, 4,300, 4,200 इस तरीके से व्यूज क्यों आने लगे? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का रीजन है कि YouTube ने सभी के चैनल को कर दिया है फ्रीज। अब इसको अनफ्रीज करने के जो तरीके मैं आपको बताने वाली वो तरीके 100% आपके चैनल पर काम करेंगे। देखो कैसे काम करेंगे ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर मैंने कल ये वीडियो डाली है, ठीक है। अब मैंने ये कल वीडियो डाली, इस पर देखो कितना व्यूज आया, 5600 व्यूज आया, और लगातार इसका इंप्रेशन है वो बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर वीडियो परफॉर्मेंस पे चलते हैं, ठीक है। जैसे ही वीडियो परफॉर्मेंस पे गए, यहाँ पर देखो मैं रीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने रीच वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो इसका इंप्रेशन कितना गया, 67,000, ठीक है। अब देखो इसका इंप्रेशन पहले कितना डाउन था, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, फिर इसका इंप्रेशन एकदम से अचानक से यहाँ पर देखो उठ रहा है। अभी क्यों उठ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने वो ट्रिक का यूज किया जिससे मेरा चैनल अनफ्रीज होगा। अब वही ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे इसका क्लिक थ्रू रेट कितना है, ठीक है। यहाँ पर ओवरव्यू पे चलते हैं, यहाँ पर देखो इससे कितने सब्सक्राइबर्स मिले हैं, 73 सब्सक्राइबर्स मिले, आप लोग खुद देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपको अपने चैनल को अनफ्रीज कैसे करना। तो ध्यान से सारे पॉइंट को बारीकी से समझिएगा। जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, वो पॉइंट मैं आपको हवा में नहीं बताने वाली हूँ, वो मैं खुद अपने चैनल पर ट्राई कर रही हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो आपको क्या करना है, ध्यान समझो। यहाँ पर देखो एनालिटिक्स का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने आता है टॉप कंटेंट का ऑप्शन, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, स्टॉप कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मेरे चैनल पे 4 दिन पहले सब कुछ सही था, पर दोस्तों ये प्रॉब्लम कब से आई, 3 दिन पहले से। तो आपके चैनल पर भी यहाँ पर आपका टॉप कंटेंट शो होता होगा। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो 28 डेज हमें नहीं रखना है, हमें रखना है यहाँ पर 7 डे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम 7 दिन के अंदर अंदर हुई है। तो हम 7 दिन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब आपके सामने वो कंटेंट आ जाएंगे जो 7 दिन के अंदर सबसे अच्छे रैंक किए हुए हैं आपके ये चैनल पे। तो यहाँ पर आप देखो, ये है शॉर्ट YouTube वीडियो अपलोड करना, शॉर्ट सब्सक्राइबर, YouTube वीडियो अपलोड करना, YouTube वीडियो अपलोड करना, सब्सक्राइबर और ग्रो, ठीक है। तो मेरे चैनल पे कौन कौन से टॉपिक चल रहे हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, या YouTube पर वीडियो अपलोड कैसे करें, या यहाँ पर है YouTube चैनल को ग्रो कैसे करें। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जो 7 दिन के अंदर अंदर जो कॉन्टेंट आपको शो हो रहे हैं, उन्हीं में से आपको एक वीडियो का टॉपिक पकड़ लेना, और वही टॉपिक पर आपको अपने चैनल पे वीडियो बनानी है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देखो यहाँ पे जो टॉप में आपको शो हो रहा है वो है शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें। अब दोस्तों यहाँ पर कंटेंट वाले सेक्शन पे मैं चलती हूँ। जैसे मैं कंटेंट वाले सेक्शन पे गई, अब यहाँ पर आपके सामने आपके चैनल की वीडियो आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड यहाँ पर देखो 4 दिन पहले वीडियो डाली है, यहाँ पर देखो 21,000 व्यूज आए हुए। अब यहाँ पर देखो मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से मैं वीडियो परफॉर्मेंस पे चली जाती हूँ। जैसे ही मैं वीडियो परफॉर्मेंस पे गई, यहाँ पर नीचे की साइड देखो, अभी भी इस पर देखो 4900 कुछ व्यूज 48 घंटे के अंदर आ रहे हैं। इस पर मैं क्लिक कर लेती हूँ, 60 मिनट के अंदर देखो इसके अंदर व्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से इस वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं। जो दोस्तों आपको टॉप में जो वीडियो दिख रही है आपको अपने चैनल पे, वही वीडियो में से आपको एक टॉपिक को डिसाइड कर लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 दिन की वीडियो जो आपको शो हो रही है, इनमें से आप मान लीजिए पहले आपने शॉर्ट वीडियो के ऊपर बना दी, फिर YouTube वीडियो अपलोड करने का सही तरीका वो आप बना लीजिए, फिर छोटे चैनल को ग्रो कैसे करते हैं वो आप बना लीजिए, शॉर्ट पे बना लीजिए, सब्सक्राइबर पे कैसे बना लीजिए। यहाँ पर आपको भर मार टॉपिक मिलते रहते हैं, आपको टॉपिक की कमी पड़ेगी ही नहीं। तो आप लोग अच्छे तरीके समझ गए, ये हो गया आपका पहला तरीका अपने चैनल को अनफ्रीज करने का। क्योंकि दोस्तों आपके चैनल पे जो टॉपिक ट्रेंड में चलता है, जो टॉपिक पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, वही टॉपिक आपको यहाँ पे शो किए जाते हैं। तो जब आपका चैनल डेड होने की कगार पे हो, आपको लग रहा है कि मेरे चैनल का इंप्रेशन पूरी तरीके से डाउन कर दिया यूट्यूब ने, तो आपको वही कंटेंट बनाना है जिस पर आपकी एक्टिव ऑडियंस रहती है, जिस पर आपका एवरेज व्यूज से ज्यादा व्यूज आता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए, वो काम करेगा आपका यहाँ पे टॉप कंटेंट वाला फीचर। तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट आपको समझना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप फिर से एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो। जैसे आप एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिलता है आपको कॉन्टेंट का ऑप्शन। सिंपली इस कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे की साइड चले जाओ। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है सबसे पहले हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोस, उसके बाद यहाँ पर मिलता है YouTube सर्च टर्म। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपकी प्रॉब्लम 15 दिन से है तो आप यहाँ पर 28 दिन वाला ग्राफ चुन लो। अगर आपकी प्रॉब्लम 5-6 दिन से हो तो आप 7 दिन वाला ग्राफ चुनो। अगर आपकी प्रॉब्लम 1 महीने से हो रही है तो 60 दिन वाला आप ग्राफ है उसको चुन सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम 1 या 2 दिन से हुई है तो आप 48 घंटे वाला ग्राफ चुनो। पर मेरी प्रॉब्लम कितने दिन से हुई है, 3 दिन से। तो मैं यहाँ पर 7 दिन वाला ग्राफ है उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपके सामने काफी सारे कॉन्टेंट आ जाते हैं। यहाँ पर देखो YouTube सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर, YouTube सब्सक्राइबर, 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 यहाँ पर देखो व्यूज, इस तरीके से आपको बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जो टॉपिक आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, उन्हीं टॉपिक पर आपको रिपीट करके वीडियो अपने चैनल पे बना लेनी है, जब तक आपके चैनल का इंप्रेशन जाना शुरू ना हो जाए।
तो आप लोग अच्छे तरीके समझ गए। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों मैं काम कर रही हूँ अपने YouTube चैनल में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुद देखो यहाँ पे जो टॉपिक पे मेरे पहला वीडियो मैंने बनाया था, यहाँ पर देखो मेरा सब्सक्राइबर वाला टॉपिक चलता है, तो मैंने फिर से अपने चैनल पे कल सब्सक्राइबर वाला टॉपिक है उसको रिपीट कर दिया। आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं इस पर 5100 व्यूज आ चुके हैं और इस पर लगातार व्यूज आ रहे हैं, ये 10,000 से ऊपर वीडियो जाएगी मुझे अच्छे से पता है। और यहाँ पर देखो इस पर 4800 ये वीडियो देखो इतने पे ही रुक गई और उससे पहले मेरे चैनल पे काफी अच्छे व्यूज है वो आ रहे थे। तो इसी तरीके से आप लोग अपने YouTube चैनल को अनफ्रीज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने वाली हूँ, जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ ये पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताएगा। अभी पॉइंट कौन सा ध्यान से समझना, यहाँ पर मान लीजिए जिस वीडियो पे मेरे ज्यादा व्यूज आए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आए हैं इधर साइड में, इस वाली वीडियो पे चलते हैं, ठीक है, इस पर 21,000 व्यूज आए हैं। अब जैसे ही इस वीडियो पे गए, अब यहाँ पर देखो इस पे 21,500 व्यूज तो हैं, अब यहाँ पर 5.6% का यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट और 3 मिनट 40 सेकंड का यहाँ पे एवरेज वीडियो ड्यूरेशन है। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी है, जो आपके चैनल पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये दोस्तों आपके चैनल पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। अभी क्यों होना चाहिए, जितना ज्यादा लोग आपके वीडियो को लॉन्ग टाइम तक देखेंगे, जितना ज्यादा आपके वीडियो में एंगेजमेंट बनेगा, उतना ज्यादा जो आपके वीडियो है उसका इंप्रेशन यूट्यूब आगे लोगों के पास भेजेगा। अब देखो सबसे पहले अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप यहाँ पर देखो इसी वीडियो को मैंने यहाँ पर डाला है, ठीक है, इसी वीडियो को मैंने यहाँ पर डाला तो इसी वीडियो का आप देखो इस वीडियो पे एवरेज वीडियो ड्यूरेशन कितना आया है, सिर्फ 2 मिनट 55 सेकंड का, ठीक है। और अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना था, 3 मिनट से ऊपर का। तो यहाँ पर जितना कम एवरेज व्यू ड्यूरेशन आएगा आपका उतना आपकी वीडियो है वो डेड हो जाएगी, और जितना ज्यादा आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन रहेगा उतनी ज्यादा आपकी वीडियो है वो रैंक करेगी। तो यहाँ पर आप अगर किसी चीज पर फोकस करो या मत करो, पर यहाँ पर दोस्तों आपको अपने वीडियो के अंदर एक चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अगर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा आ रहा है तो आप लोग की वीडियो का इंप्रेशन अपने आप ही आगे जाएगा। अब यहाँ पर देखो व्यूज तो डाउन है, क्लिक थ्रू रेट भी डाउन है, पर इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी डाउन ही है। अगर इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन यहाँ पर अच्छा होता तो दोस्तों यहाँ पर इस पर व्यूज आते। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अब जिन जिन वीडियो का मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा है, यहाँ पर देखो ये वीडियो पे देखो 10,000 व्यूज आए हैं, यहाँ पर आप चेक कर लो, यहाँ पर देखो इस वीडियो को कितनी देर देखा जा रहा है, 4 मिनट 11 सेकंड। तो आप सोचो अगर इस वीडियो के अंदर इसका 4 मिनट 11 सेकंड नहीं देखा जाता तो इस वीडियो पे 10,000 से ज्यादा व्यूज आते, बिल्कुल भी नहीं आते। अब यहाँ पर अगर इस पर इतने ज्यादा व्यूज आए हैं तो इसका जो मेन रीजन है वो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैं इस वीडियो पर क्लिक कर लेती हूँ, यहाँ पर देखो 3 मिनट 20 सेकंड तक इस वीडियो को देख रहा है, 10,700 व्यूज आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो जब तक आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन वाला ग्राफ है वो ग्रीन नहीं होगा तब तक आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे। इस वीडियो पर देखो 16,000 व्यूज आए, इस पर क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो 3 मिनट 17 सेकंड इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो इसके सारे एरो वो डार्क ग्रीन है। अब देखो इस वीडियो की वीडियो परफॉर्मेंस पे चलते हैं, जैसे वीडियो परफॉर्मेंस पे गई यहाँ पर रीच वाले ऑप्शन पे जाती हूँ, जैसे रीच वाले ऑप्शन पे गई यहाँ पर देखो 2.3 लाख इसका इंप्रेशन गया है, यहाँ पर देखो इसका इंप्रेशन लगातार ही बढ़ा है। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अगर आपके वीडियो में एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा आ रहा है तो आप लोग की वीडियो का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहेगा, और वहीं पे अगर आपकी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन बेकार जाएगा, आपकी वीडियो पे लोग टिकेंगे नहीं, आपकी वीडियो को लोग देखेंगे नहीं लॉन्ग टाइम तक, तो आपकी वीडियो पर व्यूज कैसे आएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके समझ गए कि अगर आपका चैनल डेड हो चुका है तो आप लोगों को अपने डेड चैनल को कैसे ग्रो करना है, आप लोगों को मैंने 2 से 3 तरीके बता दिए। तो आप लोग अब इसी तरीके से काम करो, यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने कल इस वीडियो को डाला है, ठीक है, यहाँ पर कल वीडियो को डाला है और यहाँ पर देखो इस वीडियो का जो एवरेज ड्यूरेशन वो देखो 3 मिनट 9 सेकंड का है, तो धीरे धीरे इसका क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ रहा है, इसका धीरे धीरे इंप्रेशन भी बढ़ रहा है, तो इस पर व्यूज भी आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने चैनल पे आपको एवरेज व्यू ड्यूरेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों अगर आपके चैनल पे 5 व्यूज 10 व्यूज 15 व्यूज आ रहे हैं तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, बस इन्हीं टिप्स को फॉलो करके आप लोग अपने चैनल को अनफ्रीज कर सकते हैं। अगर आपका चैनल डेड हो गया एक बार तो आप लोग उसको चाह कर भी अनफ्रीज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए टाइम रहते अभी से अपने चैनल पे फोकस करना स्टार्ट कर दो और अपने चैनल पे सही तरीके से काम करो। बाकी आई होप आप लोगों का सारे डाउट है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।